इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉबिन पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी की। तो पोर्टफोलियो थ्योरी पे हमने तीन वीडियो बनाई हुई हैं। पहली वीडियो में हम इसके बारे में बताएंगे कि पोर्टफोलियो थ्योरी में किस तरीके से वो ये डिसाइड करता है कि उसको किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट का असर पोर्टफोलियो पर क्या पड़ता है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो पोर्टफोलियो में किस तरीके से चेंज होता है, और उसका वेल्थ इफेक्ट और सब्सिशन इफेक्ट किस तरीके से कैलकुलेट होता है वो हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे। तीसरी वीडियो में हम इसका डिमांड कर्व निकाल के दिखाएंगे कि इस केस में जो डिमांड कर्व होता है मनी का वो किस तरीके से डिमांड का डेरिवेट होता है। तो हमने तीन वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा जो दो वीडियो है वो मेरी प्राइवेट वीडियो है। अगर आप मेरी प्राइवेट वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के स्क्रीन में दिया है और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वो है टॉबिन पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ डिमांड। देखो टॉबिन का जो थ्योरी है वो बताती है, वो जोड़ देती है, एम्फिसाइज करती है जो मनी का फंक्शन है। देखिए मनी के दो फंक्शन है, पहला है स्टोर ऑफ वैल्यू और दूसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, और दूसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो यहां पर जो फोकस किया गया है वो स्टोर ऑफ वैल्यू पे किया गया है, यानी कि एक तरीके से आप ये समझ लो कि ये M2 की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो M1 है वो तो ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी है और M2 की यहां पर फोकस किया जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग M2 या M3, तो ये M1 पे तो कम से कम फोकस नहीं कर रहा है। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो समझना है कि इसका जो फोकस है वो स्टोर ऑफ वैल्यू पर है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो थ्योरी द डिमांड फॉर मनी डिपेंड अपॉन दी फॉलोइंग फैक्टर, यानी कि उनके हिसाब से। देखो पोर्टफोलियो थ्योरी क्या है, एक बार हम उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास में 100 रुपए हैं, ठीक है, सिंपल समझ लीजिए। तो ये थ्योरी कहती है कि मैं 100 रुपए को अपने पास कैश नहीं रख सकता, क्योंकि मैं कैश रखता हूं तो मुझे किसी भी तरीके का फायदा नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और मान लीजिए मैं बॉन्ड परचेज कर लूं, बॉन्ड एक दूसरे दो चीजें, या तो कैश ले लो या बॉन्ड ले लो। अगर मैं बॉन्ड परचेज कर लेता हूं तो ये हमेशा रिस्क बना रहेगा, हालांकि प्रॉफिट मुझे बॉन्ड से मिलेगा, लेकिन ये हमेशा रिस्क बना रहेगा कि भाई हो सकता है मेरा जो बॉन्ड में है वो पैसा डूब जाए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि डूब ही जाएगा, लेकिन रिस्क तो इन्वॉल्व है ही। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपके पास रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। इवन अगर आप एफडी भी करा दोगे तो आप हालांकि 0% रिस्क नहीं कह सकते ना आप उसको, हो सकता है बैंक ही डूब जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक डूब जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये कभी नहीं कह सकते कि 0% रिस्क है। रिस्क तो आपका इन्वॉल्व होगा और रिस्क के लिए ही तो आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो यहां पर आपको ये जो थ्योरी है ये हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से हम अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेज मतलब करेंगे, मतलब कितना हिस्सा हम कैश रखेंगे और कितना हिस्सा हम बॉन्ड परचेज करेंगे, यानी कि ऑप्टिमम लेवल क्या होगा हमारे पोर्टफोलियो का, वो ये थ्योरी डिसाइड करने की बात कर रही है। तो इसलिए इसको कहते हैं द पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, यानी कि इस थ्योरी के थ्रू हम उस ऑप्टिमम लेवल को पाना चाहते हैं जिससे हमारा ये डिसाइड हो जाए कि हम कितना पैसा रखेंगे कैश इन हैंड और कितने पैसे का बॉन्ड खरीदेंगे। तो थ्योरी टॉबिन की ये कह रही है। अब ये किस पे डिपेंड करता है वो देखिए, मतलब मैं कितना पैसा बॉन्ड में रखूंगा और कितना पैसा कैश रखूंगा ये किस पे डिपेंड करता है वो देखिए। इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दी पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स ऑन दी फॉलोइंग फैक्टर। पहला फैक्टर क्या है, रिस्क एंड रिटर्न। तो यहां पर सबसे पहला रिस्क फैक्टर है रिस्क एंड रिटर्न, यानी कि आप जो पैसा बॉन्ड में लगा रहे हो उसमें कितना रिस्क है और कितना रिटर्न है, इस पर डिपेंड करता है। तो रिस्क एंड रिटर्न ऑफर बाय मनी एज कंपेयर टू वेरियस अदर असेट्स, यानी कि जो मनी है वो कितना रिस्क दे रही है, मनी के कंपेयर में जो अदर असेट्स हैं जिन पर आप पैसा लगाने वाले हो वो कितना रिस्क दे रही है और कितना रिटर्न दे रही है, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना पोर्टफोलियो मैनेज करोगे। जैसे कि हमने आपको बताया था, मान लीजिए एक व्यक्ति है, अगर वो रिस्क ज्यादा है तो वो रिस्क को पसंद नहीं करेगा, लेकिन रिस्क के साथ साथ अगर उसका जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ज्यादा उसको वेल्थ मिलेगी, लेकिन वो एक्सपेक्टेड वेल्थ ज्यादा होगी तो वेल्थ को पसंद करेगा। तो यहां पर यही तो चुनाव करना है कि कितना हमें रिस्क लेना है, कितनी हमें वेल्थ रखनी है। भाई अगर मान लो किसी चीज में ये हो कि 100% रिस्क है और 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा तो क्या आप सारी असेट्स उसमें लगा दोगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे। तो यही तो हमें मैनेज करना है, यही तो थ्योरी बताती है कि कितना पैसा हमें किसमें लगाना है, रिस्क में रिस्क, कितना पैसा हमें कम रिस्क की चीजों में लगाना है, कितना हमें ज्यादा रिस्क की चीजों में लगाना है। ये थ्योरी का पोर्शन हम कर रहे हैं। आगे वो कह रहा है कि जो टोटल वेल्थ होती है वो कैसे निकालते हैं, मनी डिमांड किस तरीके से होती है, एल किसका फंक्शन है, देखो
आरएस, आरएस का मतलब है रिटर्न ऑफ स्टॉक, रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक। आरबी, आरबी का मतलब है रिटर्न फ्रॉम द बॉन्ड्स। पाईई, पाईई का मतलब है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और डब्ल्यू का मतलब है यहाँ पे वेल्थ, वेल्थ से है, ठीक है। तो यहां पर इसको मतलब, इसका मतलब हुआ एल का फंक्शन हुआ आई और वाई। देखो इन तीनों को मिलाकर उसने आई कहा है। आई कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको नहीं पता है, दो चीजें, दो तरीके का इंटरेस्ट होते हैं, रियल इंटरेस्ट और नॉमिनल इंटरेस्ट। नॉमिनल इंटरेस्ट और रियल इंटरेस्ट के बारे में बहुत थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो बैंक ने मुझे दे रही है एफडी पर 10% और इन्फ्लेशन रेट जो है वो है 6%, तो जो रियल में मिला वो तो मुझे 4% ही मिला भाई। हालांकि मुझे बैंक 100 रुपए के बदले 110 रुपए दे रही है, लेकिन महंगाई दर भी इस तरीके की हुई कि 106 रुपए की वैल्यू अब 100 रुपए के बराबर हो गई है। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि मुझे रियल में तो 4 रुपए मिले। तो जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, आर इक्वल टू कैसे लिखेंगे, आई माइनस पाई, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू आर प्लस पाई, ओके जी। तो यहां पर आर का मतलब उसने आर एस कह दिया और आर बी को बोल दिया आर, और पाई की जगह हमने पाई लिख दिया। तो इस तरीके से यहां पर ये जो इंटरेस्ट रेट है ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। यानी कि थ्योरी ये कहना चाह रही है कि जो डिमांड ऑफ मनी है वो दो बातों पर डिपेंड करती है, पहला इंटरेस्ट रेट पर और दूसरा इनकम पर। तो हम क्या करते हैं, आगे थ्योरी को बढ़ाते हैं। और ये थ्योरी कहती है कि जो लोग हैं वो ना तो क्या करेंगे, सारा का सारा पैसा रिस्की असेट्स में रखेंगे और ना ही सारा का सारा पैसा कैश रखेंगे। क्योंकि अगर वो कैश रखते हैं, मान लीजिए अगर वो कैश रखते हैं तो उनको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, और अगर 100% वो रिस्क में ले लेते हैं तो ये तो भाई बहुत गलत चीज रहेगी। तो उनका ये थ्योरी का पूरे का पूरा फोकस क्या है, वो ये है, जो पूरी थ्योरी का कंक्लूजन है वो ये है कि पीपल प्रेफर टू होल्ड अ मिक्स इन देयर पोर्टफोलियो। यानी कि वो क्या करते हैं, एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाते हैं। मिक्स पोर्टफोलियो का मतलब हुआ कि वो कुछ असेट्स भी अपने पास रखेंगे, कुछ कैश भी अपने पास रखेंगे, कुछ बॉन्ड्स भी अपने पास रखेंगे, मिक्स पोर्टफोलियो बनाएंगे। अगर आप सारा का सारा पैसा जमीन में लगा दोगे तो ये बहुत रिस्की है, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जमीन के प्राइसेस गिर जाएं, या सारा का सारा पैसा गोल्ड में लगा दोगे ये भी रिस्की है। तो आपको एक पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस पोर्टफोलियो, यानी कि उसमें रियल एस्टेट भी हो, गोल्ड भी हो, शेयर भी हो, बॉन्ड भी हो, कैश भी हो, एफडी भी हो, ताकि आपका जो अगर किसी एक में फ्लक्चुएशन आता भी है, लॉस आता भी है, तो दूसरे में वो उसको कंपनसेट कर दे। तो यहां पे यही थ्योरी कहना चाह रही है। हालांकि ये थ्योरी मान के चल रही है कि दो चीजें हैं, कैश और दूसरा बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहां पर आगे थ्योरी कहती है कि वेल्थ इज गुड, वेल्थ इज गुड, यानी कि एक वेल्थ जो है वो अच्छी चीज है और रिस्क इज बैड। तो वेल्थ अच्छी है और रिस्क बैड है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास रिस्क कम हो तो वो रिस्क जो हो गई वो बैड गुड्स हो गई, और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास वेल्थ ज्यादा हो तो वेल्थ जो है वो गुड गुड्स हो गई। तो ये तो कोई सिंपल सी बात है, इसमें इतना कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। अच्छा ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि ट्रेड ऑफ होता है। ट्रेड ऑफ किसके बीच में होता है, वेल्थ और रिस्क के बीच में। क्योंकि ज्यादा वेल्थ का, ज्यादा रिस्क का मतलब है ज्यादा वेल्थ, लेकिन ज्यादा रिस्क का मतलब यूटिलिटी का लॉस कम भी तो होना है। तो जब ज्यादा रिस्क होगा तो यूटिलिटी कम होगी, यानी कि एक तरीके से ट्रेड ऑफ होता है कि ज्यादा रिस्क लें या ज्यादा वेल्थ लें, एक तरीके का ट्रेड ऑफ, ठीक है। इसके अलावा हमेशा हर व्यक्ति क्या चाहता है, अपना बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना। बैलेंस पोर्टफोलियो का मतलब है कि वो सारी की सारी असेट्स थोड़ी थोड़ी वो अपने पास रखना चाहता है। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे कह रहा है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ स्टार्ट टू डिक्रीज एज वेल्थ इंक्रीज। यानी कि ये थ्योरी हमें बताती है कि जैसे जैसे आपकी इनकम, जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ेगी, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ गोज डिमिनिशिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप रिस्क ज्यादा लोगे आपकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। देखो यहां पर ये समझना है, आपको ये समझना है कि ज्यादा रिस्क ज्यादा वेल्थ, ज्यादा रिस्क ज्यादा वेल्थ का मतलब है कम यूटिलिटी। यानी कि जितना कम रिस्क लोगे आपकी यूटिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा रिस्क लोगे यूटिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो आगे ये थ्योरी पे हम डिस्कस करेंगे आगे। अब देखिए थ्योरी आगे बढ़ती हुई है, हम डायग्राम के थ्रू आपको पूरा का पूरा समझाएंगे। आगे कह रहा है द एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड सेविंग बिटवीन बॉन्ड्स एंड मनी। क्योंकि हम इस पूरी की पूरी थ्योरी में दो ही चीज मान रहे हैं, पहला बॉन्ड और दूसरा मनी। एक बॉन्ड हम लेके चल रहे हैं और दूसरा मनी लेके चल रहे हैं। तो द एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड सेविंग बिटवीन बॉन्ड्स एंड मनी सच दैट द यूटिलिटी दैट ही एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम इज मैक्सिमम। यानी कि हमें यहां पर क्या करना है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमम करना है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमम करने का काम करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, ही इज ट्रेडिंग ऑफ एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा सॉरी ही ट्रेडिंग ऑफ एक्सपेक्टेड वेल्थ विद एक्स्ट्रा रिस्क, यानी कि वो ट्रेड ऑफ किसके बीच में कर रहा है, रिस्क के बीच में और वेल्थ के बीच में, एक्स्ट्रा रिस्क रिड्यूस दी हिज यूटिलिटी। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एक्सिस ले लिया, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, ये हमने एक एक्सिस ले लिया है, ये हमने दूसरा एक्सिस ले लिया, ठीक है, ये रिस्क है, रिस्क को हम ऐसे लिख देते हैं, और ये एक्सपेक्टेड वेल्थ है, ये हमारा W, यानी कि जो हमारे पास 100 रुपए थे वो प्लस आई, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास में 100 रुपीज थे, तो ये 100 रुपीज हम यहां से स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि यहां पे कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए 100% रिस्क है, तो यहां पर हम 100% रिस्क का मतलब है कि हमारा जो रिस्क होगा तो वेल्थ भी हमारी 100% सबसे ज्यादा इसी पे होगी। तो एक तरीके से हम एक बजट कंस्ट्रेंट बना लेते हैं, बजट लाइन बना लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0% रिस्क है तो 100 रुपए के बदले उसे 100 रुपए मिलेंगे, और जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है, जैसे जैसे रिस्क बढ़ रहा है उसकी जो वेल्थ है उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, यानी कि ज्यादा पैसा उसको मिल रहा है वेल्थ के रूप में, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा कहने का मतलब ये है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लिख देते हैं डब्ल्यू प्लस आई कर, डब्ल्यू प्लस आई, ठीक है, आई जीरो, ओके जी। तो यहां पर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो रिस्क जो है और वेल्थ में एक तरीके का ट्रेड ऑफ हो रहा है, तो रिस्क ज्यादा होगा तो वेल्थ ज्यादा होगी, यहां पर कोई रिस्क नहीं है इसलिए 100 रुपीज का 100 रुपीज है, और जैसे जैसे आप रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे वेल्थ भी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की, क्योंकि हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू इसको, क्योंकि जब भी दो चीजों में चॉइस होती है तो इंडिफरेंस कर्व आ ही जाता है। अब देखो नॉर्मल शेप में जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो इस तरीके का बनता है ऐसा, लेकिन यहां पर मैं इंडिफरेंस कर्व इस तरीके का बनाने वाला हूं। तो ऐसा क्यों होता है आप एक बार वो समझ लीजिए, कहां बनाऊं, यहां पर बना देता हूं इस जगह पे, देखिए यहां बना लेते हैं, यहां देख लीजिए आप, थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, यहां पर आप देख लीजिए एक सर्कल कर दिया है हमने, और हम यहां पर मान लेते हैं ये हमने एक लाइन लगा दी है एक्स वाई, दो वुड्स ले लिए, ये हमने एरिया वन ले लिया है, ये एरिया टू ले लिया है, ये एरिया थ्री ले लिया है, ये एरिया फोर ले लिया है। हालांकि ये डायग्राम मैंने पहले भी समझाया हुआ है, आप एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहां पर है गुड, यहां पर हो गई बैड, यहां पर है गुड, यहां पर है बैड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, थोड़ा छोटा सा डायग्राम है, ऐसा बनेगा इस तरीके का, एरिया ए की तरह बनेगा अगर दोनों गुड्स गुड होंगी, और एरिया थ्री की तरह बनेगा अगर दोनों गुड्स बैड होंगी। अगर मान लीजिए एक्स गुड बैड है, जैसे कि ये है एक्स गुड बैड है, और वाई गुड गुड है, तो टू की तरह डायग्राम बनेगा, यानी कि इस तरीके का डायग्राम बनेगा, इस तरीके का आप देख लीजिएगा, इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहां पर आपको बताया गया है कि अगर मान लीजिए दोनों गुड्स होंगी, दोनों बैड होंगी, तो किस तरीके का डायग्राम बनेगा, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में जो कर्व बनेगा वो इस तरीके का बनेगा, ये आपका यूटिलिटी कर्व है एक तरीके का, जो बॉन्ड वगैरह से मिलेगा, और ये मैं आपके लिए बना देता हूं, ठीक है। तो इसको हम आई वन कह देते हैं, यूटिलिटी कर्व है, रिस्क और उससे जो हमें मिल रहा है आई सी थ्री। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो इस जगह होगा, इस पॉइंट पे, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति इतना रिस्क लेगा और इतनी असेट्स वो प्राप्त करेगा। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी है, आगे हम डिस्कस जब हम सेकंड वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने का कैसे असर पड़ेगा इस पूरे के पूरे कर्व पे, और तीसरे में जो कि नॉर्मली आपको समझना चाहिए भी, उसमें हम आपको बताएंगे कि जो डिमांड कर्व होता है इस केस में वो किस तरीके से टॉबी ने डिमांड कर्व को डेरिवेट कराया, जो कि केन्स से काफी अलग था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे द टॉबिन पोर्टफोलियो थ्योरी ऑफ डिमांड की। तो ये जो टॉपिक है ये हमने दूसरा टॉप पार्ट है इसका हमारा, पहले पार्ट में हमने देखा था कि एक फर्म जो है या एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो है वो किस तरीके से अपने असेट्स को पोर्टफोलियो डिसाइड करता है, जिसमें वो बॉन्ड और जो कैश है वो किस तरीके से रखता है। तो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इफेक्ट क्या पड़ेगा चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट का असेट्स पोर्टफोलियो में। तो हम जानते हैं कि जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पर हम रिस्क लिखते थे, पिछला टॉपिक हमने बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार उसको, इससे पिछली वाली वीडियो, अदरवाइज आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आएगा नहीं। और यहाँ पे हम वेल्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रिस्क है, ये वेल्थ है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि ये जो अगर हम सारा का सारा रिस्क लेते हैं, तो ये हमारा मान लीजिए रिस्क, हम ये है मैक्सिमम लिमिट हमारी, ये रिस्क लेने की, और इतनी वेल्थ क्रिएट होगी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहां पर हम जीरो रिस्क लेते हैं तो हमारी वेल्थ जो है वो इतनी बनी रहेगी W के बराबर, और अगर पूरा का पूरा रिस्क लेते हैं तो बनेगी W 1 प्लस आई के बराबर, ठीक है, ये जीरो मान लेते हैं।
तो एक लाइन खींच देते हैं जिसको हम बजट लाइन बोल देते हैं या बजट कंस्ट्रेंट बोल देते हैं, जिसका क्या नाम होगा हमारा डब्ल्यू वन प्लस आई, यानी कि वेल्थ इतनी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, डब्ल्यू आई के बराबर। तो आगे हम अगर डिस्कस करें इस पूरे के पूरे इसको, तो देखिए होगा क्या, वो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इतना जो है रिस्क ले रहे हैं, जिसको कि हम आईसी बोल देते हैं, और इतनी हम अपना पोर्टफोलियो में इतना कैश रख रहे हैं, बाकी का वेल्थ रख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा, मान लीजिए ये है हमारा, अब सपोज कीजिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होगा, आप उतने ही रिस्क में आप ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे, जिसकी वजह से ये जो लाइन है ये नॉन पैरेलली ऊपर चली जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, W वन प्लस आई वन, ओके जी। तो ये क्या है आपका, ये क्या बता रहा है कि आपका जो वेल्थ है वो बढ़ गई। अब इस केस में देखिए आगे क्या होगा, अब आप इस ये समझ लीजिए कि अब आप इतना रिस्क लेकर इस लेवल पे आप पहुंच सकते हो, तो ये आपका एक तरीके से नया बजट लाइन बन गई, जो कि है डब्ल्यू वन प्लस आई वन, ओके जी। तो अब आपको क्या करना है वो आप समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि इस केस में अब आप क्या करोगे, ज्यादा रिस्क लोगे लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, बल्कि और आप कैश जो है वो कम रखोगे। तो आप कैश, इसका इसका मतलब ये हुआ कि आप जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो इस तरीके से आ जाएगा, देखो यहां पर, यानी कि ये हमारा आई टू हो गया। तो इसका मतलब सिंपल सा आप ये समझ लीजिए, अब जो है आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो और आप क्या कर रहे हो, ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने के कर रहे हो, लेकिन आपका जो कैश होल्डिंग है, यानी कि आप सिंपल ये बात हुई कि अगर इंटरेस्ट रेट राइज करता है, इंटरेस्ट रेट जो राइज करता है, इंटरेस्ट रेट अगर राइज करेगा तो लोग रिस्क लेंगे ज्यादा, ताकि उनकी जो वेल्थ है वो ज्यादा क्रिएट हो, और जब वेल्थ ज्यादा क्रिएट करने के लिए वो बॉन्ड बाय करेंगे तो जो कैश डिमांड है, डिमांड फॉर मनी, लिक्विडिटी डिमांड फॉर मनी भी आप कह सकते हो, लेस होगी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी आपको समझाना चाह रही है कि अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपका जो बजट कंस्ट्रेंट है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था ए वो अब चेंज होकर बी पॉइंट पर आ जाएगा। इसका मतलब आप ज्यादा रिस्क लोगे, और ज्यादा रिस्क का मतलब है आप कम कैश होल्ड करोगे, और आपका जो रिटर्न होगा वो भी पहले से ज्यादा होगा। तो अगर हम इसमें जानना चाहें कि इसमें से कितना हमारा टोटल इफेक्ट है, जैसे हमने जैसे डिफरेंस कर में हम प्राइस इफेक्ट पढ़ते थे, उसी तरीके से अगर हम ये जानना चाहें कितना हमारा टोटल इफेक्ट है, कितना हमारा वेल्थ इफेक्ट है, कितना हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, तो वो हम समझ सकते हैं। एक बार देखिए इसी में देख लीजिए, मैं एक बार आपको ये वाला डायग्राम दोबारा बना देता हूं। जैसे मान लीजिए रिस्क है, यहां पर हम मैक्सिमम रिस्क ले लेते हैं, ये हमारा मैक्सिमम रिस्क है, और मान लीजिए ये हमारी मैक्सिमम वेल्थ की रेट हो सकती है अगर हमारा इंटरेस्ट रेट आई जो पहले था डब्ल्यू वन प्लस आई जीरो रहे, ओके जी। तो ये हमारा एक तरीके से बजट कंस्ट्रेंट हम इस तरीके से बना लेते हैं, इसको क्या बोल देते हैं आई, सॉरी इसको क्या बोलेंगे डब्ल्यू वन प्लस आई की जीरो, ओके। सेम डायग्राम आपके लिए बना रहे हैं, और अब मान लीजिए जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहां पर हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो रहा है यहां पे, तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, तो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है ए पर, इसका मतलब इतना आप पैसा रिस्क में लगाओगे, इतना रिस्क लोगे और इतना रिटर्न प्राप्त करोगे, ठीक है। यहां पर हम इसको ए नाम दे देते, इसको हम नाम दे देते हैं एल, ओके। तो ये हमारी क्या है, बजट लाइन पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है उसी तरीके से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होगा, ये जो आपकी लाइन है ये ऊपर की तरफ चली जाएगी, ये हम जैसे पहले पढ़ा हुआ है हमने डब्ल्यू वन प्लस आई वन, तो यहां पर आप क्या करोगे, उतने ही रिस्क में अब आपको ज्यादा वेल्थ मिल सकती है, तो W वन प्लस आई की पावर आई जी वन, ठीक है। तो यहां पर आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, मान लीजिए आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर है आई सी टू, तो ये जो है ये हिस्सा जो है ये हमारा, अगर हम इसको नाम रख दें, कुछ भी नाम रख दो इसको, एक्स जीरो एक्स वन रख देते हैं, तो ये हमारा टोटल इफेक्ट है। टोटल इफेक्ट मतलब ये क्या बता रहा है कि अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो आप रिटर्न ज्यादा लोगे। अब हमें ये पता करना है कि इसमें से कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और कितना हमारा वेल्थ इफेक्ट है, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचेंगे जो इसके पैरेलल होगी,
बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो पैरेलल लाइन खींचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे लाइन खींचते हैं हम इसके, तो ये इसके पैरेलल लाइन खींचे हमने, तो यहां पर आप देखिए इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर आया बी पर, तो इस वाले केस में ये जो हिस्सा है ये तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का है और ये हमारा वेल्थ इफेक्ट, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी थ्योरी, अगले वीडियो में हम डिमांड कर्व को डेरिवेट करके दिखाएंगे आप बच्चों को, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन की, यानी कि जो टॉबिन थे उनका ये टॉबिन पोर्टफोलियो थ्योरी पे ये तीसरी वीडियो है। इससे पहली दो वीडियो में हमने देखा था कि पोर्टफोलियो थ्योरी में किस तरीके से वो एलोकेशन करता है अपने टोटल एसेट्स का, और यहां पर हम क्या करते हैं डायग्राम के थ्रू से प्रूव करेंगे जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस उनका फंक्शन है उसके बारे में। तो उनका ये मानना था कि जो हमारा लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो क्या बताता है, वो दो चीजों में रिलेशनशिप को बताता है। पहला रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी, असेट्स डिमांड फॉर मनी, यानी कि उनका जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन है वो दो चीजों में रिलेशन बताता है, पहला इंटरेस्ट रेट ठीक है, जिसको कि हम आई बोल देते हैं, और दूसरा क्या बताता है, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। दूसरा आपको क्या बताता है हमारे को, असेट्स डिमांड फॉर मनी। तो उनके हिसाब से इंटरेस्ट रेट में और डिमांड फॉर मनी में नेगेटिव रिलेशन होता है, इस तरीके से नेगेटिव रिलेशन होता है मनी डिमांड में, ठीक है, नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी कि उनका क्या मानना है, ही आर्गू दैट विद द इंक्रीजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट वेल्थ होल्डर विल जनरली अट्रैक्ट टू होल्ड ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ देयर वेल्थ इन टू बॉन्ड्स एंड थस ही रिड्यूस दी होल्डिंग ऑफ मनी। तो देखिए यहां पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं पूरी की पूरी थ्योरी या पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है, कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, वो जो बॉन्ड्स है बॉन्ड्स वो ज्यादा बाय करेगा, क्योंकि उसको, क्योंकि हम ऑलरेडी दो वीडियो में पढ़ चुके हैं कि रिस्क ज्यादा होगा लेकिन रिस्क के साथ साथ वेल्थ भी ज्यादा होगी, तो एक तरीके से वेल्थ और रिस्क में ट्रेड ऑफ होता रहता है। तो वहां यहां पर मैं बता रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, और बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से जो हमारी लिक्विडिटी डिमांड है या जो डिमांड है जो हमारी वेल्थ है उसमें जो कैश होल्डिंग कैश है, होल्डिंग कैश जो होगा वो कम होगा। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो जाता है तो जो बॉन्ड्स होल्ड कर रहे हो आप वो कम करोगे और कैश होल्डिंग आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे कितना पैसा हम कैश रखेंगे या होल्डिंग कितनी करेंगे ये टोटली डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। लेकिन उन्होंने जो केंज का, ये थ्योरी भी बिल्कुल केंज की तरह ही है, केंज ने जिस तरीके से बताया था कि जो केंज की भी थ्योरी यही सी बात कह रही है, केंज ने भी अपनी थ्योरी में यही बताया था कि जो इंटरेस्ट रेट होता है और डिमांड ऑफ मनी आर नेगेटिव रिलेटेड, लेकिन वो एक कंसेप्ट लेकर आए थे लिक्विडिटी ट्रैप का, इस तरीके से उन्होंने बताया था लिक्विडिटी ट्रैप का, ठीक है, लिक्विडिटी ट्रैप इस तरीके से। लेकिन जो हमारे टॉबिन है, टॉबिन ने पूरी तरीके से लिक्विडिटी ट्रैप को रिफ्यूज कर दिया। उनका यह मानना था कि इंटरेस्ट रेट और जो डिमांड फॉर मनी है उसमें लिक्विडिटी ट्रैप जैसी कोई बात नहीं होती, बल्कि वो जो डिमांड कर्व है वो लगातार गिरता ही रहता है। तो ये बेसिक बात है जो दोनों में फर्क है, कि उन्होंने जो टॉबिन का जो थ्योरी है उसने लिक्विडिटी ट्रैप को कहीं भी कंसिडर नहीं किया। टॉबिन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस हैज बीन फाउंड टू बी ट्रू बाय द एम्पिरिकल स्टडी, यानी कि एक एम्पिरिकल स्टडी की गई उसमें ये ट्रू पाया गया, जबकि केज के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा इस तरीके का कर्व बनता है, ठीक है। लेकिन टॉबिन का ये जो कर्व है जो कि लगातार डाउनलोड होता है, हालांकि स्लोप इसका घट रहा है लेकिन डाउनलोड हमेशा ही होता रहेगा, वो एम्पिरिकल स्टडी में ट्रू पाया गया, ठीक है। तो ये ही है इसकी प्रेफरेंस थ्योरी, जो बताती है कि जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व है वो नेगेटिव स्लोप का होता है, बल्कि लिक्विडिटी ट्रैप की तरह वो एक जगह जाकर फ्लटर नहीं हो जाता। तो यही बेसिक फर्क है दोनों में। तो यहां पर बस आपको बेसिकली अगर आपको समझना हो तो ये स्टेट जो है वो इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी में नेगेटिव रिलेशन बताता है। ये थ्योरी सिंपल ये बताती है कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें डिमांड फॉर मनी है वो कम होगी, यानी कि हम पैसा कम कैश होल्ड करेंगे, और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो पैसा ज्यादा होल्ड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।